मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। भगवान ने हमारे शरीर के अंदर पांच ऐसे अंग लगाए हैं जो बहुत जरूरी हैं, जैसे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, लिवर और किडनी। ये पांचों ऐसे अंग हैं जो पूरी एक फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। हर अंग अपने आप में एक फैक्ट्री की तरह से काम करता है, और अगर इनमें से कोई भी रोगग्रस्त हो जाए या काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान ने एक और भी अंग हमारा बनाया है जो हमारे शरीर के बाहर रहता है, और ये पांचों अंग जो पार्ट्स जो बनाए हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखे हैं। जैसे हम अगर हम ब्रेन की बात करें अपने मस्तिष्क की, तो इसके चारों तरफ को एक स्किल का ये पूरा खोल है जिसके अंदर बाहर की कोई भी चीज़ इसको नष्ट नहीं कर सकती है इतनी आसानी से। इसी प्रकार से हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े हैं, और ये दोनों भी ऐसी जगह पे बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं हड्डियों के केज के अंदर, कि इनके ऊपर भी बाहर से कोई चीज़ आके इन्हें खराब नहीं कर सकती इतनी आसानी से। इसी प्रकार से लीवर भी हमारा हड्डी के, ये जिसको हम कहते हैं अपने रिब्स का जो केज होता है उसके अंदर ही होता है सारा का सारा, और वो भी पूरा सुरक्षित रहता है। उसके नीचे फिर हमारी किडनी होती है, वो भी पूरी सुरक्षित रहती है। लेकिन एक और पार्ट भगवान ने हमारा बनाया है जिसकी वजह से हमारी ये सृष्टि चलती है, और ये नव जीवन जो आगे प्रक्रिया होती है उसके अंदर उसका अहम रोल होता है। वो भी अपने आप में पूरी एक फैक्ट्री की तरह से काम करता है जिसके अंदर हमारे स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं या हिंदी में अंडकोश कहते हैं। लेकिन इसे भगवान ने हमारे शरीर के बाहर लगाया है, और आप जितने भी मैमल्स देखेंगे, मतलब जो स्तनधारी जीव होते हैं जिनके अंदर टेस्टिस होते हैं, जिस तरह से कोई भी एनिमल्स हैं, चाहे वो शेर है, चाहे हॉर्स है या एलिफेंट है, या मतलब कोई भी अगर आप देखेंगे, डॉग है, कोई भी एनिमल देखेंगे, सबके ही टेस्टिस भगवान ने शरीर के बाहर लगाए हैं। तो आखिर ऐसा भगवान ने क्यों किया कि इसको शरीर के बाहर लगाया, उसका मैं एक कारण बताता हूँ। जैसे मनुष्य के अंदर हमारा जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो होता है 98.4 डिग्री फारेनहाइट, या हम सेल्सियस के अंदर कहें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, यानी स्पर्म बनते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसके लिए टेम्परेचर इससे कम चाहिए होता है। मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो उसका टेम्परेचर करीब 34.5 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड हम कह सकते हैं कि होता है। तो अगर भगवान इस टेस्टिस को हमारे बॉडी के अंदर लगा देता तो उसका टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो उसके अंदर हमारे जो स्पर्म जो हमें चाहिए होते हैं, स्पर्मेटोजोआ जिसे हम बोलते हैं, वो उतने अच्छे नहीं बन सकते हैं। बल्कि रादर हम ये कह सकते हैं कि वो ये हमारी जो फैक्ट्री है ये काम नहीं करती, और हमारे स्पर्मेटोजोआ नहीं बनते, तो आगे सृष्टि अपने आप को नहीं चला पाती। इसलिए इनको भगवान ने हमारे शरीर के बाहर लगाया है, और जिससे कि इसके अंदर जो हमारे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं वो उच्च क्वालिटी के बने और सृष्टि आगे अपने आप को चलाती रहे। धन्यवाद दोस्तों।